Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and I am back with another series जिसमें हम बात करेंगे phrasal verbs की. ठीक है, तो phrasal verbs कौन कौन से होते हैं, उनके साथ कौन से prepositions verbs के साथ लगते हैं ताकि उनका meaning जो है वो different हो जाए completely. Let's find out. तो आज का जो हमारा phrasal verb है वो रहेगा look. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं phrasal verb होता क्या है. देखिए, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी अगर आप prepositions की बात करें तो verb प्लस प्रेपोजिशन विच गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग टू अ वर्ड ऑल टूगेदर इज नोन एज अ फ्रेजल वर्ब. जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है लुक अप और लुक डाउन. यहां पे लुक इज अ वर्ब एंड अप एंड डाउन दे आर प्रेपोजिशंस. अगर मैं एक ही वर्ब में अलग प्रेपोजिशन लगा दूं, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी कोई और, तो हर बार मीनिंग चेंज होता रहेगा. ठीक है, अब वो मीनिंग्स क्या है वो हमें डिस्कस करेंगे. तो इस सीरीज के हेल्प से हम ट्राई करेंगे कि जितने हम कर सके कवर उतने प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स वील ट्राई टू फिनिश. राइट, सो द फर्स्ट वन इज लुक इनटू. देखिए, लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना. ठीक है, जैसे ही लुक्ड इनटू द मैटर, द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर, दे विल लुक इन टू दिस इशू. इसका मतलब होता है उसकी छानबीन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है, इसीलिए लुक इन टू को हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, इंक्वायर की जगह भी यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, बहुत ईजी है और ये आना चाहिए आपको. लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर माई पेरेंट्स. लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ समवन. राइट, आई विल लुक आफ्टर द चाइल्ड, आई विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. तो लुक के साथ अगर हमने ये वाला प्रेपोजिशन ऐड करा तो मीनिंग बिकम्स डिफरेंट. लुक अप टू, अब देखो लुक अप टू का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि चिल्ड्रन ऑफन लुक अप टू देयर पेरेंट्स. इट मीन्स दैट यू आइडलाइज समवन, आप किसी को मानते हो कि ये आपका आइडल है. ठीक है, और आपको इसी के जैसा बनना है. वी समटाइम्स लुक अप टू सेलिब्रिटीज, राइट, और फेमस लीडर्स. सो लुक अप टू का मतलब है व्हेन यू कंसिडर समवन एज द हाइएस्ट और सुप्रीम. तो आपको लगता है कि मैं भी इसके जैसा ही बन जाऊं या मैं भी इसके जैसे ही बन जाऊं. दैट मीन्स यू आर लुकिंग अप टू दैट पर्सन. ही लुक्ड अप टू हिज फादर, राइट. तो इसका मतलब कि वो बहुत उनको अच्छा मानता है या उनको बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है. राइट, नाउ लुक फॉर, लुक फॉर मतलब मैं देख रहा हूं या देख रही हूं. इट मीन्स यू आर सर्चिंग. आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, राइट. दे आर लुकिंग फॉर देयर चाइल्ड, वी आर लुकिंग फॉर आवर बुक्स. सो लुक फॉर इज टू सर्च समथिंग. सो दे लुक्ड फॉर देयर कार, इट मीन्स दे वर सर्चिंग देयर कार. आप सर्च के साथ फॉर कभी नहीं लगाते क्योंकि सर्च का मतलब ही होता है लुक फॉर समथिंग, राइट. सो यू विल नेवर से दे वर सर्चिंग फॉर देयर कार, दे वर सर्चिंग देयर कार, राइट. नाउ वी आर हाफ वे थ्रू इट एंड द फिफ्थ वर्ड इज लुक डाउन ऑन, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम लुक डाउन अपॉन ये भी कहते हैं. इसका मतलब होता है किसी को नीचे नजर से देखना, किसी को ऐसा सोचना कि ये हमसे नीचे है, राइट. टू ट्रीट और कंसिडर समवन इन्फीरियर, अपने से कम सोचना या अपने से नीचे किसी को आंकना. जैसे नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर, मतलब जो पुअर लोग हैं या जो दोज़ हु आर पुअर, नेवर लुक डाउन ऑन देम, नेवर थिंक दैट दे आर अ लिटिल बिलो यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. तो लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को अपने से कम तोलना या कम आंकना, दैट दे आर प्रोबेबली इन्फीरियर टू यू, राइट. सो इंसल्ट भी इसका हो सकता है एक मीनिंग, और ये भी हो सकता है कंसिडरिंग इन्फीरियर, राइट. लुक बैक, पीछे मुड़ के देखना, मतलब पास्ट के बारे में सोचना. जैसे यू शुड नेवर लुक बैक इन लाइफ, मतलब पीछे मुड़ के कभी ये नहीं सोचना चाहिए पास्ट में जाके किसी भी अपनी मिस्टेक के बारे में. हो सकता है इट वॉज अ ब्लेसिंग, इट वॉज अ लेसन, राइट. सो लुक बैक मीन्स थिंक अबाउट द पास्ट. ये सबसे ईजी है याद रखना, राइट. लुक बैक, ही लुक्ड बैक इन टाइम एंड रिग्रेटेड हिज मिस्टेक्स. ओके, थिंकिंग अबाउट द पास्ट,
लुक फॉरवर्ड टू, हम अक्सर लेटर्स के बाद लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस विद यू. इसका मतलब क्या होता है कि आई एम लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का वेट करना, टू एंटिसिपेट फॉर समथिंग, राइट, टू वेट फॉर. एंटिसिपेट का जिनको मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है टू वेट फॉर. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. अब बहुत लोग सोचते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2+V1 इन्फिनेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे क्या है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट, ये लुक फॉरवर्ड ये इकट्ठे है, ये इकट्ठे है, ये इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू वाला टू है. तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट, मीटिंग यू, ये यहाँ पे क्या है, जीरेंड, राइट. सो इट मीन्स टू वेट फॉर समथिंग. लुक अहेड, अगर लुक बैक का मतलब पास्ट के बारे में सोचना है तो लुक अहेड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना. ऑलवेज लुक अहेड विद ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी. ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो हमेशा ये सोचता है कि कुछ अच्छा ही निकलेगा इसमें से. और क्या बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट को, सैंग्वीन, SANGUINE, सैंग्वीन, टू थिंक ऑफ द फ्यूचर. लुक अराउंड, अपने आसपास देखना. आई विल स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग अराउंड द सिटी. इट मीन्स टू लुक हेयर एंड देयर, या फिर एक फटाफट कहते हैं ना नजर घुमाना, राइट, दैट इज लुकिंग अराउंड. लुक अराउंड का मतलब होता है टू लुक हेयर एंड देयर और हैव अ क्विक ग्लांस, फटाफट से एक नजर घुमाना किसी चीज के ऊपर, राइट. इसको भी याद रखना है आपने. द लास्ट वन फॉर टुडे इज लुक आउट. लुक आउट का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना कि भाई संभल जाओ, जैसे लुक आउट फॉर ऑल द थीव्स इन योर एरिया. आपके एरिया में थीव्स है तो उनसे बच के रहना. इट इज अ साइन टू बी केयरफुल, इट इज अ वार्निंग टू बी केयरफुल, राइट. सो इफ आई एम टेलिंग समवन टू बी केयरफुल और टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट समथिंग, इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग देम टू लुक आउट फॉर देमसेल्व्स. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी बैड थिंग्स इन द वर्ल्ड, वन हैज टू लुक आउट फॉर वन सेल्फ. मतलब अपना ध्यान हमें खुद रखना पड़ता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद योर सेल्फ, विच इज दिस वर्ड. सो इफ यू हैव एनी अदर वर्ड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विद दिस वर्ड, यू कैन राइट दैट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल फॉर डेली कॉन्टेंट. Well, that's it for today's class. Thank you so much, everybody. I'll see you in another session. And if you have any sort of feedback or recommendation or suggestion, let me know in the comment section below. Thank you and have a good day.